हाँ। उसका बाद सर हमको जैसे बेड में हम सोए हुए थे तो शनिवार को मेरा फोटो हुआ हंस का, दोनों हंस का, और शनिवार का बाद फोटो आने के बाद में रविवार को यहाँ बंद रहता है आपको फोटोग्राफ करा, तो वहाँ से हमको फिर आया मैम वहाँ से बुलाने के लिए, फोटो जो खींचता है एक्सरे जो करता है, बोला कि बोला आपको फोटो गलती हो गया रविवार को दिन में, बोला गलती हो गया था। हम बोला मैम ये जो फोटो दोबारा कर रहा थी इसमें तो आप मेरा कोई फोटो के साथ में हेरा फेरी का तो काम नहीं कर रहा, हम उस जगह में बोले उसको, तो बोला नहीं नहीं भैया हेरा फेरी नहीं किया है, बहुत सा आदमी का फोटो हुआ है उसके लिए आपको फोटो सही नहीं हो पाया। उसका बाद दूसरा दिन लड़का को दिखाने के लिए गया तो फोटो उसका नॉर्मल दिखा दिया, डॉक्टर साहब देखा, उसके बाद डॉक्टर साहब बोला कि नहीं नॉर्मल है इसमें कुछ नहीं है, उसको देख के दवा लिख दिया। उसके बाद दर्द से लड़का दूसरा दिन दवा खा रहा, न दर्द से छुका है न दर्द से परेशानी है। और उसके बाद में हम यहाँ के डॉक्टर को बोल रहे हैं, तो कल जो डॉक्टर आया चैम्बर में देख हाथ लगा के देखा तो बोला नहीं भैया इसमें हम संतुष्ट नहीं है, इसका है गड़बड़। तो हम बोला सर क्या करने होगा आगे का उपाय हमको बता दीजिए, हम तो उतना जानते नहीं है। तो बोला इसको हड्डी विभाग में ले जाइए। हाँ छह दिन से इलाज हो रहा सर, आज लेकर सातवां दिन हो जाए। देखा तो हम दूसरा वहाँ एक्सरे करवाए, एक्सरे में वहाँ देखा कि नहीं इसका हड्डी एवं पूरा घसक के नीचे है। हम बोला चलो भैया बीमारी पकड़ा गया, एक बार जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे तो डॉक्टर के लिए दिखाएंगे। ये दोनों बच्चे का हमारा फोटो लिया था सर, आपका नहीं उस बच्चे का? हाँ उस बच्चा का फोटो लिया, वो फोटो डाला ही नहीं उसमें डॉक्टर वाला रिपोर्ट का, अच्छा। दूसरा फोटो डाल दिया था डॉक्टर साहब भी बोला हाँ। बोला उस दिन तो उस फोटो नहीं था हाँ। कोई दूसरे का फोटो डाल देगा तो उसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे का एक्सरे डाल दिया था। हाँ दूसरे का एक्सरे डाल दिया था, अभी तो डॉक्टर साहब वही बोला, हल्ला होने पर सब लड़का लोग आया था, इस बात को बोला कि इस दिन तो जो हम देखे थे जो दवा लिखे थे वो फोटो तो नहीं है, आज देख रहे सही फोटो डाले हैं, उस दिन का तो फोटो दूसरा कुछ डाल दिया।